फ़र्ज़ है उसको हासिल करना हम सब का फर्ज है और इसको जो है ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल पे नहीं लगाना चाहिए स्टूडेंट ट्यूटर्स एग्ज़ामिनर्स, कम्युनिटी, पेरेंट्स यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट एट लार्ज सोसाइटी ऑल आर पार्टनर्स एंड मीडिया इज आल्सो पार्टनर आई वुड लाइक एक्चुअली कि आप इन चीज़ों को वहाँ देखें आइडेंटिफाई करें रादर दैन जो है ना उसमें कीड़े निकालने के बजाय देखें कि पाँच साल पहले या क्या था पाँच साल में इतनी डेवलपमेंट हुई है पाँच साल बाद अगले में क्या होगा उस चीज़ को आप हाईलाइट करें उस बच्ची को हाईलाइट करें जो स्कूल में नहीं गई थी और वो जो है ना वो अब जो है ना वो एमए कर चुकी है ठीक है ना उस बच्ची को करें जो बेचारी डिफ़िकल्टी में थी आज माशाल्लाह अच्छी जो है ना वो पोजीशन में है हार्डशिप में तो लेटर सचली वर्क टुगेदर और मैं दुआ करता हूँ कि लेटेस्ट एचली वर्क हार्ड टू वर्ड्स डेट वन अल्लाह ताला किसी का भी एफर्ट एक दाने बराबर भी ज़ाया नहीं करता और इकर बेसि लजी खलक में ये इबादत है और इसका ज़िम्मा मैं दूँ या न दूँ अल्लाह ताला ज़रूर देगा जी डॉक्टर नज़ीर अहमद संगी साहब आपका बेहद शुक्रिया थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इतहाई अहम और मुफीद मालूमा दी और ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि लैसल इंसान लामा सा इंसान को मिलता है मगर उसकी कोशिश के मुताबिक जितना वो करता है और इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो जितने भी रीजन में या गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको फैसिलिटेट करने की उनके इलाकों में ही उन्हें कंप्यूटर लैब्स देने की उनको आर्काइव देने की पूरी कोशिशें कर रही है और इसी हवाले से ही रीजनल डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और उन्हें भी मजीद इम्पावर करने के लिए उनको पंचिंग का जो सिस्टम है वो भी रीजन ऑफिस में दे दिया गया कि अगर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को इस किस्म के कोई अमूमी मसाइल भी हैं तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दूर किए जा सकें और ई और स्काइप के जरिए आप खुद लाइव होंगे बात कर सकेंगे आपके मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकेंगे इसी के साथ ही अपनी मेज़बान साद कमाल को मैगजीन प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त अल्लाह नगेबान